फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अंडरवेयर टाइप 2 कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसे हम पेंट कट अंडरवेयर भी कहते हैं, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ 14 इंच, हिप्स 36 इंच और हिप के अनुसार हम विड्थ लेते हैं, जो होती है हिप का 1/3 प्लस 2 इंच, ये आ जाएगा हमारा 14 इंच। रेडी क्रॉच लेंथ 12.5 इंच, हाफ फुट होल 9 इंच। इस अंडरवेयर को बनाने के लिए फैब्रिक लेने का नियम है अंडरवेयर की लेंथ प्लस 4 इंच और उसका डबल। मान लो आपकी अंडरवेयर 14 इंच लंबी है तो उसमें 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18 और उसका डबल कर लेंगे तो आ जाएगा 36 इंच। ये मेरा फैब्रिक है जो 2 लेयर्स में रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको विड्थ वाइज 4 लेयर्स में लेके आऊंगी 14 इंच के बराबर। 4 लेयर्स में लाने के बाद अब हम इसकी लेंथ नापेंगे, वो होगी हमारी लेंथ प्लस 4 इंच यानी कि 18 इंच। मैं यहां से 18 इंच के ऐसे मार्क लगा करके इसकी साइड से कट करके नेक्स्ट प्रोसीड करती हूं। ऊपर से हमने 2 इंच की एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, ये हमारी कॉर्ड इंसर्शन की लाइन है, और बॉटम से भी हमने फोल्डिंग के लिए लाइन लगा ली है। अब हम बॉटम में जो हमने फोल्डिंग करनी है, इसको मैं ऐसे फोल्ड करके पिनअप कर लूंगी। अब हम टॉप से पहले अपनी क्रॉच लेंथ प्लस 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे। क्रॉच लेंथ है हमारी 12.5 इंच और उसमें हम 2.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15 इंच। इसके बाद हम इनर साइड 1.5 इंच का एक मार्क देंगे और यहां से भी 1.5 इंच का मार्क देते हुए स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब अगर इधर से हमने 1.5 दिया है तो इस लाइन पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 2 इंच का मार्क लगाएंगे और यहां से ऐसे बाहर ले जाते हुए इसकी ऐसे कर्विंग देंगे और इसको बाहर वाले मार्क से मिला देंगे। अब यहां से हम फुट होल का मार्क लेंगे, फुट होल है हमारा 9 और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। अब इस मार्क को हम इस मार्क से मिला देंगे। अब हम इस लॉन्ग लाइन की कटिंग करेंगे और इस लाइन की कटिंग कर देंगे। अब हम पिंस को अलग कर लेंगे और ये हो गई हमारी पेंट कार्ट अंडरवेयर की कटिंग। अब मैं इसको ऐसे निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा क्रॉच एरिया है और ये हमारी बॉटम है। तो सबसे पहले अब स्टिचिंग में राइट टू राइट मैच करके क्रॉच एरिए की हम स्टिचिंग करेंगे और वो हिडन स्टिचिंग द्वारा होगी, जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ये क्रॉच एरिया में स्टिच करने के बाद
नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। क्रॉच लेंथ सिलने के बाद हम 2 इंच की ऊपर एक लाइन लगाएंगे जो हम ये इलास्टिक डालने के लिए होगी। इसको हम ऐसे रखेंगे और ये 2 इंच तक ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके पूरे वेस्ट पार्ट में सिल देंगे जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इलास्टिक डाल करके बॉटम विड्थ भी हमने फोल्ड कर दी है। अब हम इसको रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे। और अब इसका ये बॉटम क्रॉच एरिया हिडन स्टिचिंग द्वारा स्टिच होगा जो मैंने आपको पिछली अंडरवेयर में भी बताया है। इसमें बस दोनों अंडरवेयर्स में ये डिफरेंस है कि इसमें म्यानी नहीं डलती है। क्रॉच एरिया में हिडन स्टिचिंग करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा ये पेंट कट अंडरवेयर बनाना पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।